हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन के कॉलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कॉलर स्क्रीन आप सबका सैमसंग का फ़ोन का एक ही तरह का आता है, जो कि देखने में आप लोग थोड़ा सा बोरिंग फील होता होगा आजकल, क्योंकि बहुत दिनों से आपके जो है उसी तरह का कॉलर स्क्रीन दिखता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सबको जैसा कि पता है कि इस तरह का आपका जो है कॉलर स्क्रीन आप लोगों को दिखता है अगर आपका फ़ोन है सैमसंग का, और ये अगर दिखेगा आपका अगर नौगट वर्जन है सैमसंग तो ही। अगर आपका ओल्ड वर्जन का कोई सैमसंग का फ़ोन है इसमें नौगट नहीं है, उसमें आपको तो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आप कैसे एक यूनिक कॉलर स्क्रीन को अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबका प्रीवियस वीडियो पर मेरे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर सब्सक्राइबर्स को हाइड कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो पर बताया था कि आपको सब्सक्राइबर्स को हाइड कर देना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा था कि हाइड कैसे करते हैं वो बताइए। तो मैं आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करते हैं और हाइड क्यों करना चाहिए, उसको मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर्स का हाइड करने से ये होता है, अगर आपका नया चैनल है और आपका सब्सक्राइबर्स कम है तो कोई भी व्यूअर अगर आपकी वीडियोज़ को देखने आता है तो वो देखता है कि आपका सब्सक्राइबर्स कम है, तो उससे ये इफेक्ट पड़ता है कि वो सोचता है कि इस बंदे में नॉलेज नहीं है, और जिसके कारण से वो भी सब्सक्राइब्स नहीं करता है, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर्स कम देखता है तो सोचता नया यूट्यूबर इसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अगर आपके पास नॉलेज है फिर भी वो सोचेगा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सब्सक्राइबर्स के काउंट को। वो कोई भी वीडियो आपका खोलेगा तो सबसे पहले आपका देखता है सब्सक्राइबर्स कितने हैं, अगर आपका ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है तो आपको वो भी आपको हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, एक नया यूट्यूबर जब यूट्यूब चैनल खोलता है, यूट्यूबर बनने की सपना लेकर आता है, तो उसके सामने सबसे समस्या वाली बात तब आती है जब उनको पहला 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहला 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की जो बात होती है, ये सबसे बड़ी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ होती है इस जगह पे। आपको 100 सब्सक्राइबर्स बनाना हार्ड नहीं है, बट 1000 सब्सक्राइबर्स बनाना हार्ड है। आपको ये सुनकर थोड़ा मतलब कि आश्चर्य लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100 सब्सक्राइबर्स तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही इतने ज़्यादा लड़के होते हैं कि आप बोल कर उनसे करवा लेते हो 100 सब्सक्राइबर्स, बट जैसे जब बात आती है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की, तब आपको समझ में आता है कि इसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और दोस्तों, YouTube का एक नियम है कि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको आज का ये वीडियो पे आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के लिए जो लोगो होता है ये कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस, जो लोगो होता है वो आपका चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, आपके चैनल में एक प्रोफेशनल लोगो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप वीडियोस डालते हो, मान लीजिए कोई न्यू व्यूअर आपके वीडियोस को आज देखा, तो वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो उसके पास अगर सजेशंस में जाएगा तो वो आपके चैनल लोगों से जो है पहचान जाएगा कि हाँ, इस बंदे का वीडियो मैंने पहले भी देखा हुआ है। तो उसी तरह से दोस्तों, आप लोगों ने अगर नया चैनल क्रिएट किया है या फिर आपका चैनल पहले से है और आपने अभी तक एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो नहीं लगाया है, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से ओनली 5 मिनट में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, एक नया यूट्यूबर जब यूट्यूब चैनल खोलता है, यूट्यूबर बनने की सपना लेकर आता है, तो उसके सामने सबसे समस्या वाली बात तब आती है जब उनको पहला 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहला 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की जो बात होती है, ये सबसे बड़ी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ होती है इस जगह पे। आपको 100 सब्सक्राइबर्स बनाना हार्ड नहीं है, बट 1000 सब्सक्राइबर्स बनाना हार्ड है। आपको ये सुनकर थोड़ा मतलब कि आश्चर्य लग रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100 सब्सक्राइबर्स तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही इतने ज़्यादा लड़के होते हैं कि आप बोल कर उनसे करवा लेते हो 100 सब्सक्राइबर्स, बट जैसे जब बात आती है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की, तब आपको समझ में आता है कि इसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और दोस्तों, YouTube का एक नियम है कि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें 10000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और फिर जब 10000 हो जाता है तो 50000 होने में टाइम नहीं लगता है।
हेलो एवरीवन। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल पिछले वीडियो पर मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसपे मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अपने यूट्यूब वीडियोस को कैसे अपलोड करना चाहिए, सही तरीका, कैसे डिस्क्रिप्शन लगाना है, टाइटल लगाना है और कैसे टैग्स लगाना है, सारा डिटेल बताऊंगा, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, ठीक है। और अभी कुछ मैं यूनिक तरीका से मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। मैं अभी कुछ ऐसी तरीके से करता हूँ वीडियो को अपलोड जिसमें कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कैसे तरीके से करता हूँ, क्या करता हूँ, सारा डिटेल बताऊंगा वीडियो को। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है, देखते रहिए एंड तक। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड आगे भी वीडियोज मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को वायरल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी टिकटॉक बहुत ज्यादा की एक हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है मार्केट पे, और टिकटॉक अभी बहुत ज्यादा चल रही है और यूट्यूब से ज्यादा अभी टिकटॉक यूजर मतलब कि होने वाले हैं धीरे धीरे, जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है। और टिकटॉक पे दोस्तों अभी आप फेमस होने के बाद जो है पैसे भी कमा सकते हो, तो टिकटॉक पे बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि टिकटॉक पे पैसे कैसे कमाते हैं, तो इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि टिकटॉक वीडियो को वायरल कैसे करें, जिनमें कि मैं पांच बात बताऊंगा कि ये पांच बात को अगर आप ध्यान रखते हो या फिर ये पांच चीजें करते हो। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि पता है कि इंडिया में अभी गेमिंग जो है बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों आप लोग जैसा कि देख रहे हो बहुत सारे गेमर्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आती है बहुत सारे पैसे। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो, और आज की इस वीडियो का मेन मोटिव ये है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे पबजी गेमिंग को लाइव कर सकते हो एक यूट्यूब चैनल खोल करके, और आपको पबजी का यूट्यूब चैनल अभी इस वक्त क्यों खोलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे पबजी मोबाइल को जो है अपने कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप किसी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी दोस्तों आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ भी आपको इसमें झमेला नहीं है, और अपने आप आराम से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आराम से पबजी मोबाइल को जो है गेमिंग कर सकते हो, खेल सकते हो। अगर आपका गेमिंग चैनल है तो लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेकंड चांस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी साउनी फ़ोन के जो है आपके डायलर में छुपी कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके डायलर में ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और मैं बताता हूँ ये फीचर्स क्या क्या है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियो इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं।